दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की है। दिखने में बेहद खूबसूरत, एक्टिंग में भी काफी ज्यादा शानदार, लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले कई ऐसे भी कलाकार रहे जिनका करियर आगे जाके ज्यादा चल नहीं पाया। और आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की उन कुछ मूवीज की जिसमें सलमान खान के साथ साथ सबसे ज्यादा तवज्जो चाइल्ड आर्टिस्ट को भी मिली। सलमान खान के साथ काम करने वाले ये चाइल्ड आर्टिस्ट आखिर कहाँ है, क्या कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम आता है इस लिस्ट में आदित्य नारायण का। आदित्य नारायण यानी कि उदित नारायण के बेटे जो सलमान खान के साथ नजर आए थे फिल्म जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म के अंदर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया, फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया। बहुत पुरानी ये फिल्म है, सिर्फ 10 साल के थे उस वक्त आदित्य नारायण, और आज वो बॉलीवुड के काफी बेहतरीन सिंगर बन चुके हैं। उदित के बेटे आदित्य होस्ट भी करते हैं कई टीवी शोज को और काफी अच्छी कॉमेडी करना भी वो जानते हैं। उन्होंने एक्टिंग में फिर से अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, फिल्म शापित में वो दिखाई दिए लेकिन फिल्म नहीं चल पाई, लेकिन अपनी सिंगिंग से वो जरूर आगे बढ़े और अपनी होस्टिंग से भी। दूसरा नाम आता है जोया अफरोज का। आप सभी ने देखी होगी सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं। इसमें राधिका नाम की लड़की का किरदार अदा करती जोया नजर आई थी जो कि संगीता की बेटी होती है, और इस फिल्म के अंदर उनके काम को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। जोया अफरोज आज काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा नहीं पाई है। उन्होंने कुछ ना कहो जैसी फिल्म में भी काम किया, लेकिन बड़े होकर उन्होंने साल 2014 में एक्सपोज फिल्म में काम किया विद हेमे शशमिया एंड हनी सिंह, लेकिन वो भी नहीं चल पाए। और फिर वो नजर आई स्वीटी वेड एनआरआई, और ये जोया अफरोज की आखिरी फिल्म है जिसके बाद उन्होंने अभी फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। तीसरा नाम अली हाजी का आता है जो कि नजर आए थे सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर में। इनका काम पार्टनर फिल्म के अंदर बहुत ही ज्यादा शानदार था। इन्होंने इस फिल्म के अलावा तारा रंपम, पाठशाला जैसी फिल्मों में भी काम किया। अब ये काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और काफी ज्यादा खूबसूरत भी ये दिखाई देते हैं, हैंडसम ये नजर आते हैं। साल 2019 में इन्होंने काम किया विद ऋतिक रोशन इन सुपर 30, और इनका काम दर्शकों को पसंद भी आया। चौथा नाम है हर्षाली मल्होत्रा का जो कि नजर आए बचोंगी भाईजान फिल्म के अंदर सलमान खान के साथ मुन्नी का किरदार अदा करते हुए। ये फिल्म बहुत ज्यादा शानदार, तो वहीं मुन्नी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। इससे पहले ये सीरियल कबूल है और लौट आओ त्रिशा में भी देखी गई लेकिन खासा नहीं चल पाई। मुन्नी कैरेक्टर इनके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रहा। आज ये काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी दिखाई देती है। आखिरी नाम है मास्टर शाहरुख का। मास्टर शाहरुख नजर आए सलमान खान के साथ उनकी फिल्म बीवी नंबर 1 में, जिससे आज की जनरेशन भी काफी ज्यादा पसंद करती है। मास्टर शाहरुख ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जो किरदार इस फिल्म के अंदर अदा किया फैंस ने खूब पसंद किया, लेकिन इस फिल्म के अलावा उन्हें देखा गया घर वाली, बाहर वाली और एक दो फिल्मों में और भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की वजह से अपने करियर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और आज उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में नामो निशान नहीं है। वेल, क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर आप सभी, कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।